global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. मतलब क्या होगा जब गरीबों को जो जाने आने की सुविधा उनके लिए वही नहीं रहेगी। अगर हमारे यहाँ पे कुछ
होता है कि कुछ कैजुअलिटी होती है तो गाड़ी आने के लिए आप सभी देख सकते हैं, अंदर गाड़ी आने के लिए भी रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ पे लोग सब्जियाँ लेने के लिए सब्जी की गाड़ी जा पा रही है, ना गैस के बाटले वाले की गाड़ी अंदर आ पा रही है। लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं तो हमको चादर में लपेट के उनको पूरा बाहर लाना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अंदर पब्लिक रह रही है, तो फिर जो आश्वासन दिए थे वो आश्वासन पे तो अभी तक कोई कुछ उतरा नहीं है। तो प्लीज़ हमको यही दरख्वास्त है कि हमारे लिए कुछ रास्ता निकल आए और हमारा हक का रास्ता हमको मिले। श्री उद्धव साहेब ठाकरे और अदिति जी ठाकरे, इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जितने तमाम वोटर्स हैं, ये शिवसेना के वोटर्स हैं। सबसे पहली बात तो मैं आखिर सोशल वर्कर भी हूँ, शिवसैनिक भी हूँ। हम लोग काफ़ी वक्त से ये रोड के लिए हम लोग जगह जगह पे हम लोग गए हैं, डिपार्टमेंट हर एक डीएमसी डिपार्टमेंट, हर एक गार्डन डिपार्टमेंट हम लोग गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब आप लोग कोई फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं पब्लिक के ही हित के लिए, तो उसमें पब्लिक को टारगेट करके वो चीज़ बनाना गलत है मेरे हिसाब से। और मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं जो हमारी सीनियर अथॉरिटीज़ है, जैसे हमारे उद्धव साहब हो गए, इनके कान तक शायद नहीं पहुँचा जा रहा है वो मैसेज। तो इसलिए हम लोग ने ये माध्यम में सोचा कि अभी हम लोग प्रेस के पास जाएंगे, उनकी मदद लेंगे, ताकि हमारे जो बड़े साहब हैं और हमको इतना उद्धव साहब पे हमको इतना विश्वास है कि वो गरीबों के बारे में हमेशा पहले सोचेंगे। अगर आप अभी देखोगे HSC स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स चालू है अभी ऐसे टाइम में, जब बच्चों का एग्ज़ाम्स है उसमें ये माँ बाप भी उनका एग्जिट एंट्री कैसा होएगा। वो अभी जो BMC ने रोड देने का बात कर रहे हैं, वो ये रोड देने का बात कर रहे हैं, ऊपर से वो ड्रेनेज के ऊपर है, प्लस बोल रहे हैं खुद ही बनाओ और खुद ही यूज़ करो। और जो अभी जो करेंटली जो लोग जो शुरुआत से जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर उन लोग ने बिना इन्फॉर्म किए बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स डाल दिए, ये मतलब आपने किसी के लिए सहायता भी नहीं किया पहले से अरेंजमेंट, और आपने ऊपर से उनका जो एंट्री एग्जिट वो दोनों बंद कर दिया। कभी कुछ कैजुअलिटी हुआ, जैसे कि जरा फायर हुआ या किसी कोई पेशेंट सीरियस हो गया, उसको बाहर अंदर बाहर कैसे लेके जाएगा, मतलब हॉस्पिटल से या कोई एम्बुलेंस को कुछ आ सकता है अंदर? एक ऑटो रिक्शा तक पास नहीं हो सकती है। जो सिलेंडर वाला इनका है, ये गरीब लोग से वो बेचारा मतलब बोलता है कि मैं नहीं ले पाऊंगा, पूरा गाड़ी अंदर आ ही नहीं सकती है। अभी आपने देखा होगा कैमरे के अंदर उस सिलेंडर वाला खुद कंधे पे डाल के वहाँ तक लेके जाता है। अब उसको इन लोगों को 100 रुपीज़ 150 रुपये ऐसा देना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, ऑलरेडी सिलेंडर का महंगाई करके रखा है, उसमें से इन लोग देंगे 100 रुपीज़, कितना इन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। और ये लोग रोज के वेजेस है, इन लोगों का बच्चे लोग का स्कूल ये सेंट कैथरीन जो बाजू में है, यहाँ से अगर जाएंगे नहीं, जो रोज का ये लोग रूट इस्तेमाल करेंगे, अगर इनको इनके हक से आप लोग अलग करने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही नाइंसाफी है गरीबों के साथ। इसमें एक्चुअली पूरे पिक्चर में कोई बिल्डर का सीन ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बिल्डर का कोई सीन नहीं है, ये पूरा BMC का खेल है। अभी सबको सिर्फ बोला जा रहा है कि हम लोग देंगे, शुरुआत में सबने बोला था कि रास्ता मिलेगा, 100% होगा, ये तक बोला था, सबको आश्वासन दिया गया था कि देगा। लेकिन अभी ऐसा बोल रहे हैं कि जो लिखित में जो दिया है वो दिया है कि टेम्पररी रास्ता। आप परमानेंट लोगों के लिए टेम्पररी रास्ता क्यों देंगे, मेरे को ये बताओ। ये लोग गरीब है, पागल नहीं है? उतना तो उनको भी समझ में आता है कि भाई टेम्पररी रास्ता का मतलब क्या होता है। अभी BMC बोल रही है हम लोग अभी ये बंद कर रहे हैं, आप लोग हमारा गेट यूज़ करो। अरे वो आपका गेट है, आप एनी टाइम बंद कर सकते हैं। आप बीच रात को बंद कर दिए गेट, बोला अभी यहाँ से एंट्री एग्जिट नहीं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे एंट्री बाहर करेंगे? वहाँ पर भी उधर एक वॉचमैन रहता है जो पूरा टाइम गेट बंद रखता है, वो गेट के अंदर ना आने के लिए जाने के लिए उनको पूरा टाइम रिक्वेस्ट करना पड़ता है, अरे हमारे कंधे पे राशन है जरा खोल दो। मैं तो इतना सा सिर्फ एक इंसान अंदर आए जाए, इतना गैप खुला रखा है, तो ये तो गलत है ना भाई। ये इतनी बात है कि नॉर्मली लोगों को खाली एक्सटेंशन के नाम पे उनको भटकाया जा रहा है। अच्छा, आप यहाँ पर लोकल MLA है और खासदार भी है और नगर सेवक भी है, ये तीनों से किस तरह की मदद मिली है जनता को और पब्लिक को? देखिए, जो कॉर्पोरेटर जी ने आश्वासन दिया था, उन्होंने अपनी तरफ से जो मेहनत किया और जो ऊपर की तरफ उन लोग ने जो कोशिश लगाई, उसमें तो यही वो जो टेम्पररी रास्ता जो बोल रहे वहीं तक उन लोग पहुंच पाए। मैं किसी को डायरेक्ट ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आज ये कदम उठाया कि ये लोगों का आवाज़ डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के पास होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे हैं, जिनको शिवसेना को हमने वोट दिया है। आप जाके कोई भी इसमें डायरेक्टरी में चेक कर सकते हैं, ये वोटर्स सारे शिवसेना के और हमारे शिवसेना के वोटर्स हैं। ये जहाँ पर कॉर्पोरेटर हमने जीता के लाया है, ये वोटर्स वो है। तो अगर जो हमारे वोटर्स हैं उनका अगर आप साथ नहीं देंगे ज़रूरत उनके आने पर, फिर हम लोग कहाँ जाना चाहिए ये बताइए। साहब मदद करो, मदद करो, मदद करो। आदित्य साहब मदद करो, मदद करो, मदद करो। उद्धव साहब मदद करो, मदद करो, मदद करो। आदित्य साहब मदद करो, मदद करो, मदद करो।
मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।